यार पानी कब पिए, कितना पिए, कैसे पिए, क्यों पिए, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे क्योंकि इसका हमारी बॉडी की हेल्थ के साथ रिश्ता है। ये देखिए बड़ी सारी रिसर्च हुई है ऑस्ट्रेलिया की मोनार्च यूनिवर्सिटी में, मैं उसके भी कुछ ग्लिम्स आपको दिखाऊंगा क्योंकि पानी का रिश्ता हमारी हेल्थ के साथ है। अगर पानी ढंग से नहीं पिएंगे हम, पानी प्रॉपरली ना पीने की वजह से कहीं का भी दर्द हो सकता है बॉडी में, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द वगैरह, सिर का दर्द, चक्कर आना, कानों में गूंज, आँख, कान, दांत, इनकी कई सारी बीमारियों से पानी का रिश्ता है। हिचकी आना, हिचकी हमें आती है, पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा आना, ये भी पानी कम ज़्यादा पीने से इसका रिश्ता है। फिर कहीं की भी ब्लीडिंग होना, नक्सीर आना, मुँह में छाले होना, मेस्ट्रोल ओरो ब्लीडिंग होना, बवासीर की शिकायत, इसका भी इसका रिश्ता है। और फिर भूख ना लगना और नींद ज़्यादा आना, सुस्ती, शरीर में भारीपन, थायराइड, मोटापा, ये भी इसका भी पानी के साथ रिश्ता है कम ज़्यादा पीने से। तो पानी के एक एक पॉइंट में आपको बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी कब ना पिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो पानी का ये ध्यान रखना है कि एक तो खाना, हमने खाना खाया है, भोजन किया है, तो खाना खाते ही पानी ना पिए। वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है, चरक संहिता में आया है कि भोजनांते विषमवारी, अगर हमने खाना खाया और खाना खाते ही पानी पी लिया तो पाचक रस नीचे बह जाएंगे, फिर हमें खाने का फायदा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से फल, कई लोग फल खाते हैं और फल खाने के बाद एकदम पानी पी लेते हैं, तो फल खा के भी एकदम पानी ना पिए, उसे भी उसका एसिडिटी होगी और पच नहीं पाएगा। इसी तरह शुशु करने के बाद भी एकदम पानी ना पिए क्योंकि हमारे स्फिंक्टर सारे सिकुड़े हुए होते हैं, तो एकदम पानी पीने की दिक्कत होगी। फिर खड़े होकर पानी ना पिए, कुछ लोग खड़े होकर पार्टी में खाना भी खाते हैं, खड़े होकर पानी भी पीते हैं, वो सब उसी से घुटनों में दर्द होता है और जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह से चलते चलते ही पानी ना पिए, तसल्ली से बैठ के एक एक घूंट पानी को, दो तीन सांसों में एक घूंट पानी को पीना चाहिए हमें। हमें ऐसा लिखा हुआ भी आया कि ईट लिक्विड्स एंड ड्रिंक सॉलिड्स, तो इस तरह से हम, क्योंकि पानी पीने के नियम तो कई हजार वर्ष पहले ही बनाए गए हैं, 3000 वर्ष पहले चरक संहिता ने में दे दिए, 3000 वर्ष पहले, और फिर बड़े सारे धर्म गुरुओं ने भी इनको माना है, पानी के नियमों को महसूस किया और इनको माना है, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे बौद्ध समुदाय के लोग हों, जैन समुदाय के लोग हों, सब ने इसका इसको वो फॉलो किया नियमों को, तो इसलिए इनका जरूर पालन करें। फिर पानी लेट के भी ना पिए, करवट से भी ना पिए। फिर पानी कब पिए, एक तो सुबह उठते ही पानी जरूर पिए जिससे कि हमारा सारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और बॉडी बड़ी ही दोबारा से उसमें एनर्जी आए, चुस्त दुरुस्त हो जाए, वॉशिंग हो जाए बॉडी के अंदर से, क्लिनजिंग हो जाए। फिर भोजन से गैप, एक दो घंटे के गैप में पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब पानी भी पिया हमने तो उसके बाद दोबारा पानी पीना, वो भी थोड़ी देर के बाद क्योंकि पानी को भी पाचन होने में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ समय के बाद ही पानी पिए। और दूसरा, पानी तब पिए जब हमारी नाक का बायां सुर चल रहा हो, जब बायां सुर चल रहा है इस मतलब बॉडी को पानी की नीड है वो समझें। एक हम अपने यूरिन को देख के भी पानी की नीड समझ सकते हैं कि अगर हमारा यूरिन ऐसे नॉर्मल कलर का है फिर इस मतलब हमारे पानी की नॉर्मल ऑप्टिमम जरूरत है। अगर हमने ऐसा यूरिन आ रहा है, इस मतलब हमने ज़्यादा पानी पी लिया है और ये ओवर हाइड्रेटेड है बॉडी हमारी, अब हमें नुकसान होने वाला है इसलिए हम पानी कम पिए। एक अगर ज़्यादा कंसेंट्रेटेड यूरिन है, इसका मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। यूजली खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद तो थोड़ा सा डार्क यूरिन आता है, लेकिन अगर दिन भर हमारा कंसेंट्रेटेड यूरिन आ रहा है इसका मतलब हमारे डिहाइड्रेशन और पानी की आवश्यकता है। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना है, अंडर हाइड्रेटेड भी ना रहे, ओवर हाइड्रेटेड भी ना रहे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, 40% पानी जो पीना है हमें ब्रेकफास्ट तक के टाइम में पीना है, 40% टाइम पानी लंच तक के टाइम में पीना है, और शाम को केवल 20% पानी ही पीना है जिससे कि हमें बार बार शुशु करने ना जाना पड़े और दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी के समय में ही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम पानी यूज़ हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर पानी क्यों पिए, तो बॉडी की जो हर सेल है उसकी नीड है पानी। जो हड्डियाँ हमें सूखी सूखी नज़र आती हैं उसमें भी 30% पानी है, तो पूरी बॉडी की हर सेल पानी में लगभग डूबी रहती है, हर सेल को पानी की जरूरत है। तो पूरी बॉडी की क्लींजिंग पानी से होती है। पानी एक बहुत बड़ी व्हीकल है शरीर के लिए, एक सवारी है जिसमें कि सारे टॉक्सिन्स भी वाश आउट होते हैं और भोजन भी पहुंचता है शरीर को। बाकी कितना पानी पिए, देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। जो किसान लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, जो रनिंग करते हैं, तो उनको खूब पानी की आवश्यकता है, वो पानी अच्छा पिएंगे जिनकी बॉडी की नीड ज़्यादा है। यूजली मेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, फीमेल्स को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। लेकिन जो मेरी तरह, जैसे मैं यूजली ओपीडी बैठ के देखता हूँ ओपीडी में, तो कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जिनका काम है उसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ऑफिस में काम है, या जो क्लर्कल जॉब का काम है, तो वो भी बैठ बैठ के कई बार ऐसे पानी पीते रहते हैं बार बार बॉटल। ऐसा ना करें, पानी को सीमित समय में, मैं जो मेरे पापा हैं 90 इयर्स के हैं, 100% हेल्दी हैं, किसी तरह कोई बीमारी नहीं, 10 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं, डेली सुबह योगा भी करते हैं 2-2.5 घंटे 4 घंटे, तो कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो बड़े हेल्दी रहते हैं। उनके जो पापा, उनके जो गुरुजी थे रुद्रमणि जी, खरल में थे, जींद जिले में, हरियाणा में, तो वो
वो दिन में एक दो बार ही, एक बार खाना खाते थे और एक या दो बार ही पानी पीते थे और एक या दो बार ही शिशु पोटी करते थे। 90 ईयर्स तक वो हेल्दी रहे और उनके जो पोते हैं वो अभी भी दिल्ली में हैं, तो इसलिए वो बड़े हेल्दी थे। अगर हमारा खाना सिंपल है, अगर हमने हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल, ऐसा सिंपल खाना खाया है, फिर हम ज़्यादा पानी क्यों पिए? तो फिर तो हमें, मैं तो गर्मियों में भी 4, 5 या 6 बार पानी पीता हूँ और ऐसे नहीं, तो बार बार ऐसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर किसी ने जंक फूड खाया है, ये 4 व्हाइट पॉइजन खाए हैं, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मैदा, ये देखिए, तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। या किसी ने तली भुनी चीज़ खाई है, गलत खाना खाया है तो उसमें भी, या नॉनवेज ज़्यादा खाया है तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती है। इससे फिर बॉडी की एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, बॉडी समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। अगर हम जंक फूड, ज़्यादा एसिड वाला भोजन लेंगे और ज़्यादा हम पानी पियेंगे, उससे हमारी बॉडी की एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, उससे हमें नुकसान होता है। हमारे ज़्यादा एंजाइम्स, हार्मोन्स और केमिकल्स यूज होते हैं, साल्ट्स यूज होते हैं, तो इसलिए सीमित मात्रा में उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है, पानी की ऑप्टिमम मात्रा लेके और खाना सीमित संतुलित भोजन लेके मेरा बॉडी बड़ी हेल्दी रहती है। मैं पिछले 15 साल से गर्मियों में भी मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ बालकनी में, 15 साल से मैंने पंखा, कूलर, एसी यूज़ नहीं किया। पूरी गर्मियों में जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं मॉस्किटो नेट में सोता हूँ, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि मेरा खाना बड़ा संतुलित है। तो अगर खाने में ज़्यादा एसिड होगा तो फिर हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, फिर हमें पंखे, एसी, कूलर का उपयोग करना। फिर कैसा पानी पिए, तो उसका टेम्परेचर कैसा हो? तो मैं तो चाहता हूँ कि गर्मियों में भी मटके का पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रिज का पानी ना पिए। पानी का टेम्परेचर तो थोड़ा सा हमारी स्किन से मिलता जुलता ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ठंडा पानी होगा वो भी नुकसानदायक है। अगर कुछ लोग बड़ा गर्म पानी सिप सिप करके पीते हैं, जैसे चाय की घूंट पी रहे हो, तो उससे भी दिक्कत होती है, तो इसलिए बचें। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हमारी स्किन वाला टेम्परेचर है। फिर फिल्टर की जहाँ तक बात है, तो होश के तो जब तक कि TDS बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक के लिए मैकेनिकल फिल्टर का यूज़ करें और आप RO का उपयोग करने से बचें, उससे TDS डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नीड है तभी RO का पानी का उपयोग करें, फिल्टर के पानी का उपयोग कर लें। कैसे पिए पानी, घूंट घूंट करके पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे करके। फिर किस में पिए पानी, तो जितना उसके कॉपर वेसल यूज़ करें उनके तो अच्छा रहेगा, तांबे के पानी का, या फिर मिट्टी के मटके का पानी का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना उसके प्लास्टिक की बोतल वगैरह में ज़्यादा पानी ना पिए, इमरजेंसी के लिए कभी कभार यूज़ करना पड़े तो अच्छा है। ऐसी चीज़ों का, नियमों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तब क्या दिक्कत होती है। अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लंग्स है, सब एक्स्ट्रा बर्डनड हो जाते हैं। तो ज़्यादा पानी अगर पिएंगे तो हमारे जो सलाइवा है, जो मुंह की लार है, और जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो वो उसको पचा नहीं पाएंगे भोजन को। अगर हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो हमारे पाचन बस फीके पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे फीके, उसे देखिए हम करेंगे तो गलेगा नहीं काफ़ी देर तक बिस्कुट। ये है नॉर्मल, जब हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो हमारे पाचक से सलाइवा की नॉर्मल स्ट्रेंथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो नॉर्मली ऐसे थोड़ी देर के बाद ये बिस्कुट पच जाएगा। और अगर हम ज़्यादा ओवर कंसनट्रेट, बहुत देर से पानी नहीं पिया हमने, तो पाचक से ज़्यादा एसिड ज़्यादा बन जाएगा बॉडी के अंदर और उससे तुरंत वो चीज़ गल के और आसपास की जो मेम्ब्रेन है वो भी गल जाएगी, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। ये देखिए स्टमक की मेम्ब्रेन है, ये इसमें वो होता है, फिर एसिडिटी होती है, यहाँ पे भी एसिड ये ज़्यादा रिएक्ट करता है। फिर अगर हमने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया तो पानी समय समय पे अवश्य लेते रहें। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ लगती है देखने में लेकिन बड़ी कीमती है। अगर हम पानी घूंट घूंट करके पिएंगे तो पानी हमारी लार से मिलके फिर अंदर जाएगा बॉडी में, तो पानी एक बफरिंग एजेंट भी है जो कि एसिड और बेस से बचाव करता है, ये ध्यान रखें। और गर्मियों में तो पानी के हमारे तरल पदार्थों को पूरा करने के लिए, जैसे नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, या बेल शरबत का पानी, इन चीज़ों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक तरल पदार्थ हैं, तो इससे हम बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। तो जितना ऑप्टिमम आप अपने नीड समझ सकें उतने उसके हिसाब से पानी का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ब्लाइंडली हम एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। बाकी मैंने तो बड़ी ऐसी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट कर रखी हैं, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर सारी वीडियोज़ देखें। और मैं हर संडे को शाम को लगभग 4 से 5 या 4:30 से 5 यूट्यूब पर लाइव भी होता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो उसमें भी अवश्य जुड़ें। तो अभी मैं लाइव भी होऊंगा, हर संडे को लाइव होता हूँ। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। मैं चाहता हूँ इस पूरी वीडियो को देखें क्योंकि ये हर एस्पेक्ट, चाहे बच्चा हो, मिडिल एजेड हो या ओल्ड एजेड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फ़ोन नंबर करके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी डालें। थैंक यू।